जल्दी गाइस, मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस की बहुत टेंशन होती है मुझे। सवेरे सवेरे 8 बजे कौन रखता है यार गाइस। एक्चुअली मैं ना गाइस कह रहा, मैं चाहे 10 बजे, मैं 9 बजे भी सो जाऊंगा। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप? तो आशा करता हूं एकदम बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। तो गाइस आपको आज मेरे चेहरे पर इतनी मुस्कान लग रही होगी, उसका रीज़न ये है गाइस, कल बारिश आ रही है एंड मैंने मम्मी से ले लिया परमिशन कि मैं ना बारिश में नहाऊंगा। ये गाइस मजा आएगा। अभी हल्की हल्की शुरू हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। वो देखो गाइस, हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है, कुछ शायद ही दिख रही होगी। एंड अभी मैं नहाऊंगा गाइस, इतनी मतलब खुश हो रही है। एंड गाइस आज मेरे दीदी वापस आ रहे हैं तकरीबन 1 महीने और 6 दिन बाद, वो ट्रेन में बैठ गया, वो पहुँचेंगे शाम को 6:30 बजे। तो मैं कई दिनों से बाहर नहीं गया, तो पापा ने कहा चलो आज तेरे को भी जाएंगे, मैं और मेरे दीदी जाएंगे, मेरे दीदी को लेने, मैं और मेरे पापा मेरे दीदी को लेने जाएंगे रेलवे स्टेशन पर। 6:30 बजे का टाइम है एंड यहाँ पर देखिए कौन बैठा हुआ है, श्री श्री बहनी। ये तो अब रोज़ ही नहा लेता है। मैं गाइस नहाऊँगा, इतनी मतलब कि दिल से खुशी हो रही है ना कि बारिश में नहाऊँगा। इसने मेरी चप्पल पर अटैक कर दिया मेरे आते ही। सो गाइस अभी शाम के बज रहे हैं 4:21 एंड गाइस मैं बारिश में अभी तक नहीं नहाया क्योंकि बारिश आई ही नहीं है। तब का पता गाइस क्या हो रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको बैक कैमरा करके। ये देखो गाइस, कभी धूप आ रही है कभी जा रही है, कभी धूप आ रही है कभी जा रही है। मैं जब लास्ट ब्रेक में मुझे ब्लॉग में आया था, मुझे पता क्या लगा था कि बारिश आ जाएगी, अब मैं आधे 1 घंटे में नहा दूंगा, बट आई नहीं सकती। हो सकता है शायद शाम को आए 5 की या 6 बजे। एंड अभी मैं अपना स्कूल का होमवर्क करूँगा, मेरा बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट है, तो आज का वर्क नहीं करूँगा, 2 दिन की छुट्टी है। थैंक यू। आज मैंने ब्लॉग जल्दी अपलोड कर दिया था क्योंकि 11:55 पे कर दिया था क्योंकि आज मेरी मम्मा की छुट्टी थी 2nd सैटरडे की। तो शुक्र है मेरी मम्मा की छुट्टी हुई, मेरे को रेस्ट मिल गया थोड़ा क्लासों से, मतलब कि इन्हें कुछ खड़े होकर क्लास लेनी पड़ती है ना, मुझे अच्छा लगा। एंड अभी मेरे मम्मा सत्संग पे गए हैं, आज कोई सत्संग है यहाँ पे मंदिर में। एंड अभी तकरीबन 1.5 घंटे 1.5-2 घंटे में हम मेरी दीदी को लेने जाएंगे, उनकी ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई है। बस वहाँ देखो कैसे बादल है, काले काले वहाँ पे ऊपर थोड़े थोड़े बने हुए हैं, बारिश के चांसेस वैसे लग रहे हैं। मैं अगर तुम आ जाए मैं तो नहाऊँगा पक्का। अब मम्मी ने भी परमिशन दे दी है फाइनली, तो मैं नहा लूँगा, मज़ा आ जाएगा यार बारिश में नहा के। सो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 20:20 यानी कि 8:20 एंड गाइस मैं अभी 1/2 घंटे से मैं रेस्ट करा था क्योंकि मैं 7 बजे अपनी दीदी 6:30 बजे अपनी दीदी को लेने गया था, क्योंकि वो मैंने जैसे कि आपको आज बताया था कि वो आने लगे हैं, तो इसलिए मैं नहाने के लिए गाइस बारिश में भी नहा तो आज बारिश तो आई नहीं, सारा प्रॉपर्टी हो गया मेरा। एंड अभी वो तकरीबन हमें आए हुए हो चुके हैं 1/2 घंटा एंड मेरी दीदी भी रेस्ट करे, मैं भी रेस्ट करूँ। गाइस बहन तो पागल ही होगा, तकरीबन मेरी दीदी भी इन जगह गए थे ना, वो मेरी दीदी को एकदम प्यार करने लग गया ना गाइस, क्योंकि मैं आपको खाँक क्या बताऊँ, वो एकदम झल्ला ही हो गया। सो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 10:16 एंड अभी मैं नहा धो के मैं उसके बाद 8:30 बजे लिया था। मैं यार एकदम फुद्दू बातें करता हूँ, क्वास बातें करता हूँ। मैं नहा तो 8:20 पे लिया था, फिर उसके बाद मैं खाना खुना खा के मतलब कि फिर उसके बाद मैंने मतलब कि क्या हुआ यार, मैं उसके बाद अभी आइसक्रीम उसक्रीम सब खा के अभी आया ही हूँ। एंड अभी मेरे दीदी बाहर बैठे हैं फ़ोन पे बात कर रहे हैं मेरे नानी से, तो मैं लास्ट वाले कमरे में सकता हूँ गाइस, एक सेकेंड गाइस, क्योंकि मेरे मम्मा सो रहे हैं इसलिए मैंने वहाँ पर ब्लॉग बनाया नहीं था, बट अब मुझे बनाना ही पड़ेगा। एंड मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ, एक सेकेंड गाइस, वेट प्लीज, वेट फॉर मिनट्स। हाँ तो आज मैंने ब्लॉग नहीं बनाया गाइस, उसके लिए ज़्यादा सॉरी, क्योंकि आज मेरे को इतनी एक्साइटमेंट नहीं थी कि इतने टाइम के बाद गाइस मेरी दीदी आ रही है, मतलब कि 1 महीना और 6 दिन बाद मेरी दीदी आ रही है, क्योंकि अब मेरी दीदी के कॉलेज स्टार्ट होने हैं, 12th से मेरी दीदी कॉलेज में चली गई है, तो इसलिए दीदी को 2 महीने थे, तो दीदी पूरा 2 महीने इन्जॉय करेगी। चलो अच्छा है, फिर दीदी ने कॉलेज में लगी जाना है। एंड गाइस मैं सोच रहा हूँ मेरे बाल बहुत बड़े हो गए तो कटवा ही लूँ, बाकी आप कमेंट में बताओ। बाकी मुझे ठीक लग रहे हैं वैसे, बाकी मैं सोचता हूँ जो होगा वो मैं आपको बताते रहूँगा। एंड गाइस फिलहाल मैं एडिटिंग कर रहा था तो सोचा थोड़ा व्लॉग भी बना लेते हैं। गाइस जो मेरे यहाँ पे मधुमक्खी ने काटा था वो अभी थोड़ा सा है, अभी भी सब जगह ठीक नहीं हुआ, यहाँ पे भी निशान, अभी भी निशान तो सब जगह पड़े ही हुए हैं, बट जो मेरी सूजन थी वो तो बिल्कुल ख़त्म ही होगी। मैंने दवाई दी थी और एक कैंडिड पाउडर आता है वो लगाया, उससे तो बिल्कुल मतलब कि ख़त्म ही होगी। एंड गाइस एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी है, गैस करो क्या,
आप कैसे गैस करोगे? मैं भी कैसे एकदम बकवास ही बातें करता हूँ गैस कि कल जो है मतलब कि मेरी ऑनलाइन क्लास नहीं है, शुक्र है संडे है, कल तो आराम से उठेंगे। मतलब मैं आपको आज की बात बताता हूँ कि आज पता क्या हुआ। तो आज ना मेरी क्लास थी सवेरे 8 बजे सैटरडे, मेरी मम्मा की छुट्टी थी तो मैं और मेरी मम्मा सोए हुए थे। मेरे को लगा कि 7:24 हुए हैं पर 8:24 हुए थे। मेरी मम्मी ने मुझे फटाफट उठाया, फिर मम्मी ने मुझे वो दिया मतलब कि मेरा अपना फ़ोन दे दिया। मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग लगाया, क्लास लगा ली, मेरी अटेंडेंस जैसे तैसे करके वैसे, क्योंकि मेरी अटेंडेंस ना अभी तक फुल लगी थी एकदम फुल। तो मम्मी नहीं चाहती थी कि छुट्टे लिटरली गाइस, मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस की बहुत टेंशन होती है मुझे। सवेरे 8 बजे कौन रखता है यार गाइस। लिटरली मैं ना गाइस कह रहा, मैं चाहे 10 बजे मैं 9 बजे भी सो जाऊंगा ना, तब भी मैं सवेरे 8 बजे नहीं उठ पाऊंगा। बट मुझे जैसे तैसे करके उठना पड़ता है यार क्योंकि क्लास के लिए। गाइस पता नहीं मुझे रात को नींद ही नहीं आती, मैं सोचते ही रहता हूँ कुछ ना कुछ। पता नहीं मैं अभी कैसा इंसान हूँ गाइस लिटरली। एंड बैनी यहाँ पे सोया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। बैनी के लिए भी आइसक्रीम लाए थे, बैनी ने भी खाई। बैनी कैसे घोड़े बेच के सो रखा है। इसको ना गाइस यहाँ पे एसी चल रहा हो और आराम से जमीन ठंडी हो, ये भाई साहब सो जाएंगे। ये भी ना गाइस लिटरली पागल ही है एक नंबर का। सो गाइस अभी का सीन ये है कि अभी बज रहे हैं रात के 10:42 एंड अभी मैं इतना धीरे की बोल रहा हूँ गाइस क्योंकि मेरे मम्मा सो चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ। एंड गाइस ब्लॉग मेरा एडिट हो चुका है एंड आज ज़्यादा बनाया मिलता है, जितना भी बनाया था आपको वो मैं दिखा दूंगा, कल आ जाएगा। एंड गाइस कल तो जो आप ये देख रहे हो ये तो 11 को मैं कैसे ये आ जाएगा 10:12-11 बजे आ जाएगा क्योंकि कल मेरे मम्मा की छुट्टी है आज, और कल आज आ गया था 11:50 पे। आज लेट इसलिए हुआ था क्योंकि मेरी क्लास थी, वरना मैं 11 बजे डाल देता। आज आया 11:55 पे, कल आएगा 11 बजे। तो बस ये आपको बताना मैंने। तो गाइस अब मैं व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।